युवक कांग्रेस की ओर से आज मनपा आयुक्त कार्यालय पर मोर्चा निकालकर मनपा आयुक्त का निषेध कर मनपा के कार्यप्रणाली के विरोध में मटका फोड़ आंदोलन किया गया है। उत्तर नागपुर हमेशा से ही विकास को लेकर अछूता रहा है। लोगों को पीने के पानी, रास्ते की व्यवस्था और अन्य सुविधा न मिलने को लेकर हर बार मनपा कार्यालय पर आंदोलन आता रहा। बहरहाल मनपा प्रशासन इस समस्या की ओर ध्यान देती दिख नहीं रही है। इसके पहले भी कई बार युवक कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया, मगर मनपा ने कभी इस विषय पर ठोस कदम नहीं उठाया, जिस कारण परिसर के लोग हर बार पीने के पानी की समस्या को लेकर मनपा कार्यालय पर आंदोलन करते आते हैं। आज भी उत्तर नागपुर वासियों के साथ पूर्व पार्षद निकोसे के नेतृत्व में मनपा कार्यालय पर आंदोलन किया गया। आज आम्ही इथे महानगरपालिकेला डेप्युटेशन द्यायला आलेलो आहे। आम्ही तसं चांगल्या याच्याने आलो आहे की आम्हाला गडरेचं पाणी मिळत आहे। आता इथे G20 झगडीकडे नवीन म्हणजे पुराने गट्टू काढून नवीन गट्टू लावते, जिथे ऑलरेडी गट्टू आहे। G20 माध्यमातून सौंदर्यीकरण जिकडे तिकडे चालू आहे, नाल्याला सौंदर्यीकरण चालू आहे, बरं गट्टू लावणं चालू आहे, सगळीकडे व्यवस्थित इथे सगळं चालू आहे G20 माध्यमातून। आणि आमच्या उत्तर नागपूरला का असं एकदम भिकारी सारखं समजून ठेवलेलं आहे? इथले लोक काही लोक नाही आहेत का? आम्हाला गडरे 15 पाऊन महिन्यापासून अशा अगोदर पण आम्ही डेप्युटेशन दिलं, 15 पाऊन महिन्यापासून गडर भरलेले लोकांच्या अख्खा घरातून किचन रूम मधून टॉयलेट तो पाणी आहे, गंदगी जात आहे लोक, आणि तिथून नळाच्या पाण्याला ते गंद पाणी येत आहे, आणि तिथले मुलं बाळ ते गंद पाणी पिऊन ऍडमिट होत आहे, कोणाला लॅटरिंग लागत आहे, कोणाला डिसंट्री लागत आहे। महानगरपालिका म्हणजे हे आयुक्त असे मस्त बसलेले एसी मध्ये क्रिकेट खेळत आहे, तिथे क्रिकेट खेळायला यांना वेळ आहे, G20 माध्यमातून यांना वेळ आहे, मग ह्या गरीब जनतेचं कोण ऐकणार? आता आता उत्तर नागपूर आता इथे कोणी नगरसेवक नाही आला, मग प्रशासन बसली आहे ना, मग करावं नाही प्रशासननी, मग प्रशासनचं कोणतं काम आहे? नक्कीच होतं उत्तर नागपूरमध्ये भेदभाव, निधी काही देत नाही आहे, निधी एकही मिळालेली नाही आहे, आणि आता आम्ही डेप्युटेशन द्यायसाठी गेलो आहे, आम्हाला कुत्रा मांजरासारखा हदडून बाहेर काढलं, आमच्या काही लोकांना पकडून घेऊन गेले, हिरासत मध्ये घेतलेलं आहे। आम्ही फक्त यांना म्हटलं की महानगर आयुक्त हे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी राहतात, लोकांच्या समस्या लोकांच्या सेवेकरिता बसलेले राहतात, UPSC सारख्या MPSC सारख्या परीक्षा देऊन बसलेले आहेत, यांचं काम काय आहे की लोकांच्या जनतेची समस्या ऐकायची, त्याच्यावर तोडगा काढायचं, हे काय करतात? आमच्या जनतेला कुत्रा मांजरासारखं हदडून बाहेर काढतात, काय तोडगा काढला यांनी 5 वर्षात? आम्ही आमचा भीक नाही मागत आहे, आम्ही आमचा हक्क मागते, टॅक्स घेते ना महानगरपालिका, टॅक्स घेते की नाही महानगरपालिका, मग काय करते त्या टॅक्सचं? महिला काँग्रेस अध्यक्ष कल्पना द्रोणकर, हे बघा समता नगरला इतका त्रास होत आहे, त्याच्यामुळे एवढ्या बाया एवढ्या उन्हा थानामध्ये इथे आपला प्रॉब्लेम सांगायला आले। जेव्हापासून नगरसेवक नगरसेवकाचा कार्यकाळ संपला, अधिकाऱ्यांचं काम आहे की लोकांनी ज्या पण समस्या सांगितल्या त्या आपण पूर्ण करायला पाहिजे, त्यामुळे माजी नगरसेवक आणि त्यांच्या क्षेत्रामध्ये लोक आता आक्रोश होणार आहेत, आणि परत आयुक्तांचं एवढं चुकत आहे की लोक मोर्चा घेऊन इथे येत आहेत आपल्या समस्या सांगायसाठी, तर त्यांना हे अरेस्ट करत आहेत, हा कुठला न्याय आहे? की म्हणजे उत्तर नागपूर लोक उत्तर नागपूरच्या महिलांवर लोकांवर नेहमी अत्याचार व्हायला पाहिजे, तिथे पाणी शुद्ध पाणी येते, गडरच्या समस्या आहेत, आणि नगरसेवक वारंवार डेप्युटेशन देत आहे की आमच्या एरियामध्ये हा हा प्रॉब्लेम आहे, तो क्लिअर करण्यापेक्षा लोकांवरच ऑब्जेक्शन करून हे अरेस्ट करतात, हे आयुक्तांच्या खूप चुकीचे आहे। मनपा आयुक्त के इशारे पर बड़ी बेरहमी से आज पुलिस प्रशासन के बल द्वारा हमारे इस आंदोलन को खत्म किया गया। माननीय हमारी पूर्व नगर सेविका स्नेहा निकोसी जी और जितनी भी यहाँ पर महिला है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आई थी कि किस प्रकार से उत्तर नागपुर की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें गंदा पानी, जैसे स्नेहा निकोसी जी ने बताया कि उन्हें गंदा पानी पीने को मिल रहा है और उसके वजह से कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि उत्तर नागपुर में ज़्यादातर दलित लोग रहते हैं, उत्तर नागपुर में ज्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं, मुस्लिम हमारे भाई बहन रहते हैं, दलित भाई बहन रहते हैं, इसलिए उत्तर नागपुर के साथ अन्याय हो रहा है। मैं मनपा आयुक्त जी से यह कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाई कर MPSC UPSC कर अधिकारी बने, आप इस तरीके के जाति भेदभाव ना करें, उत्तर नागपुर में आप जल्द से जल्द अच्छा पानी पहुंचाए। यहाँ उत्तर नागपुर की जनता त्रस्त है और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उत्तर नागपुर की जनता त्रस्त है, हमारे नागपुर के कलेक्टर महोदय G20 की तैयारी में लगे, ये कैसे G20 है कि एक तरफ आप ही के नागपुर शहर की उत्तर नागपुर की जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है, और आप एक तरफ नागपुर की झूठी शान G20 के माध्यम से बचाना चाहते हैं। अरे नागपुर की सच्चाई तो ये है कि
गंदा पानी पीने के लिए गरीब जनता मजबूर है। नागपुर की सच्चाई ये है कि डेढ़ साल से आप महानगर पालिका के चुनाव नहीं लगा रहे हैं, नगर सेवक नहीं है, तो हम अपनी समस्या जो गरीब महिला ये महिला है अपनी समस्या किसे बताए? महानगर पालिका के नगर सेवक नहीं है, यहाँ पर आओ तो आयुक्त साहब अपने ऑफिस में मिलते नहीं, आयुक्त साहब लगे छक्का चौका मारने में, तो फिर ये महिलाएं किसके पास जाए? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुक्त साहब ये भेदभाव जातीय भेदभाव दलितों के ऊपर अत्याचार का भेदभाव आप बंद करिए और जल्द से जल्द आप अच्छा पानी प्रोवाइड करिए, जल्द से जल्द आप उत्तर नागपुर की जो गंभीर हालत है बेकार हालत है उसे सुधारिए। महिलाएं कह रही है कि गटर लाइन इतनी गंदी बदबू आती है, इतना गंदा पानी बहता है कि घरों में बदबू आती है, रहना मुश्किल हो जाता है, पीना मुश्किल, रहना मुश्किल, चलना मुश्किल, तो फिर क्या करेंगे उत्तर नागपुर की जनता? हम कोई बाहर के देश के तो नहीं है, इसलिए आयुक्त साहब आप जल्द से जल्द उत्तर नागपुर की तरफ ध्यान दें। बंद करो। आंदोलनकर्ता इतने तीव्र थे कि उन्होंने मटके लेकर आयुक्त कार्यालय में ही प्रवेश कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया। इस बीच कुछ आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ शिवपुरी।